फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों कि डेबिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड का यूज हम लोग कैसे करते हैं और उसके थ्रू हम लोग पॉस मशीन का दैट मीन्स पॉइंट टू सेल को एक कस्टमर के थ्रू कैसे यूज कर पाते, दैट मीन्स एक मर्चेंट के साथ हम लोग डेबिट कार्ड का यूज करके उसको पॉस मशीन से कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, इन चीज के बारे में मैं आप लोग को बताया था दोस्तों प्रीवियस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड का यूज आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए कर सकेंगे और क्रेडिट कार्ड जो होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों और आपसे कोई भी वीडियो छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए मैं आप लोग को ले चलता हूं आज के इस क्रेडिट कार्ड में। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो जस्ट लाइक डेबिट कार्ड के जैसा ही एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है, जिसपे दोस्तों एक इंटीग्रेटेड चिप लगा हुआ होता है, उस पर कस्टमर का नाम होता है दोस्तों, वो मर्चेंट से लिंकेज होता है, उसके अलावा दोस्तों कार्ड नंबर होता है उस पर जो आपके अकाउंट नंबर से इंबेडेड होता है, दैट मींस वो आपके अकाउंट नंबर से लिंक होता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि उस पे मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है दोस्तों, जो कि मैं अभी इस बोर्ड पे आप लोग को दिखाने का काम करूंगा, मतलब आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे कैसा रहता है उसका क्रेडिट कार्ड का एक लुक दिखाऊंगा दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इस पे ब्रांड भी दिया हुआ रहता है कि कौन से ब्रांड का है, कौन से कंपनी का है क्रेडिट कार्ड, तो ये सारे चीज दिया हुआ रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारे चीज मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट छूट नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक छोटा सा सिंपल दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड बनाता हूँ दोस्तों, जस्ट लाइक इस तरह का देखिए एक क्रेडिट कार्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि एक स्मॉल छोटा सा प्लास्टिक कार्ड। यहाँ पे नाम दे देता हूँ दोस्तों वीसा, यानी वीसा कंपनी का है, या फिर मास्टर कार्ड भी हो सकता है दोस्तों, यानी मेस्ट्रो का भी हो सकता है। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो है दोस्तों, इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं चिप। ये क्या करता है दोस्तों, तो कार्ड को रीड करने का काम करता है, इसीलिए इसको कार्ड रीडर भी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये ब्रांड का नेम है दोस्तों, ब्रांड नेम यानी कौन से कंपनी का आपका क्रेडिट कार्ड है वो है दोस्तों, और ये कार्ड के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दोस्तों क्रेडिट कार्ड, दैट मीन्स ये एक क्रेडिट कार्ड है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर होगा इस तरह का, जो कि 16 डिजिट का होगा, तो इस तरह से मैं एक नंबर दे दिया दोस्तों, ये हो गया आपका क्या, इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट कार्ड नंबर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर, ये हो गया दोस्तों आपका अकाउंट होल्डर नेम, जिसको आप कस्टमर नेम भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे कस्टमर नेम। इसके अलावा दोस्तों इस पे एक्सपायरी डेट भी रहता है, जिसपे इस तरह से दिखेगा वैलिड थ्रू, तो वैलिड थ्रू में मैं दे देता हूं एक डेट दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2005, मैंने 2005 से क्रेडिट कार्ड लिया हूं। उसके बाद यहाँ पे रहता है दोस्तों वैलिड अप टू, जहां पे दे देता हूं 2035। तो इस तरह से मैं एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड का लुक आप लोग को दिखाया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड जस्ट लाइक इसी तरह का होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड भी एक छोटा सा यानी स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है, जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है, इस तरह से एक कार्ड नंबर दिया हुआ रहेगा दोस्तों, और ये कार्ड नंबर जो होगा वो आपके अकाउंट से इंबेडेड रहेगा, दैट मीन्स इंबेडेड विथ योर बैंक अकाउंट। किसे इंबेडेड रहेगा दोस्तों,
तो एम्बेडेड विथ योर बैंक अकाउंट, कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जिस मर्चेंट से आप साझा करेंगे, दैट मीन जिसमें आप अकाउंट खुलवाएंगे, जौन सा आपका बैंक होगा, तो उस बैंक अकाउंट से आपका ये क्रेडिट कार्ड नंबर जो होगा वो एम्बेडेड होगा, दैट मीन्स वो लिंक होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें बैलेंस एक लोन की तरह होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका बैंक पहले आपको मनी प्रोवाइड कर देगा और मंथली आप उसको पहले खर्चा कर लीजिए, उसने उसका आप यूज कर लीजिए मनी को, और फिर मंथली उस क्रेडिट कार्ड का बिल जितना आएगा दोस्तों उतना आप चुका दीजिए बैंक को। तो यह होता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड। कहने का मतलब है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड, कोई भी पूछे क्रेडिट कार्ड क्या होता है तो उसको हम बताएंगे दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड एक तरह का छोटा सा स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है, मतलब एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जस्ट लाइक डेबिट कार्ड के जैसा। इसके अलावा दोस्तों उसको बताएंगे कि इस क्रेडिट कार्ड पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है दोस्तों, जो कि इस कार्ड के डेटा को रीड करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग कार्ड रीडर भी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप यहाँ पे लगा हुआ है और इसी के थ्रू दोस्तों क्या होता है, इस कार्ड के डेटा को रीड किया जाता है, आपके अकाउंट के इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों उसको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड पे और भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कार्ड होल्डर नेम होते हैं, उसके एक्सपायरी डेट होते हैं, और कौन से ब्रांड का, कौन से कंपनी का, यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको प्रोवाइड किया क्रेडिट कार्ड, वो सारे चीज अवेलेबल होते हैं इस कार्ड के ऊपर। और इसी का यूज करके दोस्तों, यानी इस कार्ड का यूज करके आप इसको शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं पे बिल पेमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड जो, जब क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का पेमेंट किया जाता है दोस्तों, तो उस केस में होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला, दैट मीन्स आपको जो क्रेडिट कार्ड इशू किया वो क्या करता है दोस्तों, तो आपको एक लिमिट टाइम देता है। जैसे मान लिया जाए कि आप अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करवा ली, तो क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करने के बाद दोस्तों आपको बैंक जो है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, वो आपको 3 मंथ या फिर 1 मंथ या फिर 2 मंथ इस तरह से एक टाइम देगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि ये आपके पास टाइम पीरियड होगा और इसी टाइम पीरियड के अंदर में आपको क्रेडिट कार्ड का, यानी क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल होगा उसको पूरी तरह से पेड करना होगा। यानी आप जितना क्रेडिट यूज किए हैं अपने शॉपिंग के लिए या फिर किसी अपने पर्सनल लाइफ में जो भी क्रेडिट आप यूज किए हैं, उसको खर्चा किए हैं, तो वो सारे को आपको इस क्रेडिट कार्ड बिल के थ्रू आपको पेड कर देना होगा दोस्तों। दैट मीन्स इस लिमिट टाइम पीरियड के अंदर आपको वो चीज पेड कर देना होगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो क्रेडिट कार्ड, जो कि पहले आपको इशू कर दिया जाता है, दैट मीन्स आप लोग को पहले क्रेडिट दे दिया जाता है और यूज करने के बाद उसको एक लिमिट टाइम पीरियड में, लिमिट अवधि में दोस्तों उसको जब पेड करना है, यानी बैंक को, ऑर्गेनाइजेशन को अपने मनी को पेड करना है दोस्तों, तो इस तरह के जो फैसिलिटी हम लोग को बैंक प्रोवाइड किया है तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, क्रेडिट कार्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी ये क्रेडिट कार्ड को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात रहा दोस्तों एग्जाम्स की, तो एग्जाम के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं कि एग्जाम्स में आप लोग कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी काफी अच्छा तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है यानी पेमेंट करने का काफी अच्छा तरीका है दोस्तों, कौन, क्रेडिट कार्ड। तो चलिए दोस्तों आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो मैं आप लोग को बता देता हूं, तो सुनेंगे ध्यान से। कहने का मतलब है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने का। उसके अलावा दोस्तों आप क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड विथ यूनिक नंबर अटैच्ड विथ एन अकाउंट। कहने का मतलब दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके पास एक यूनिक नंबर होता है और वो यूनिक नंबर आपके अकाउंट से अटैच होता है, जैसा कि मैं अभी आप लोग को बताया। उसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं नेक्स्ट पॉइंट में, इट हैज ऑल्सो ए मैग्नेटिक स्ट्रिप एम्बेडेड इन इट विच इज यूज टू रीड क्रेडिट एंड रीडर्स। जैसा कि मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप भी यूज किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है दोस्तों इसके क्रेडिट को रीड करने के लिए या फिर आपके इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, तो डील कर दीजिए कि जब कस्टमर यूज करता है तो क्या होता है, जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि एक लिमिट अवधि में उसको क्रेडिट पेड करना होता है। तो लिखेंगे दोस्तों, व्हेन ए कस्टमर
परचेज ए प्रोडक्ट वाया क्रेडिट कार्ड। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब कोई कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक पेज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड कस्टमर हैज ए सर्टेन टाइम पीरियड आफ्टर विच ही कैन पे द क्रेडिट कार्ड बिल। कहने का मतलब दोस्तों कि जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को क्रेडिट कार्ड के हेल्प से परचेज कर लेता है तो इसको एक लिमिट टाइम पीरियड में, इतने लिमिट अवधि में दोस्तों क्या होता है, उसके जो बिल होगा, उसका जो पेमेंट होगा, वो आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट कार्ड में कौन कौन से चीज अवेलेबल होते हैं सारे को दिखा देंगे, तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके दोस्तों, देयर आर फॉलोइंग एक्टर्स इन द क्रेडिट कार्ड सिस्टम, यानी कौन कौन से एक्टर्स इसमें अवेलेबल हैं, कौन कौन से इसके एक्टर्स हैं, वो सारे चीजों को मैं लिख लेंगे दोस्तों। तो वो कैसे एग्जाम में लिखना है, तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके देयर आर फॉलोइंग एक्टर्स इन द क्रेडिट कार्ड सिस्टम, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन कौन से सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताया दोस्तों, कार्ड होल्डर जिसको आप कस्टमर नेम के भी नाम से जानते हैं, तो लिखें नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिख देंगे दोस्तों द कार्ड होल्डर और डैश देकर के लिख देंगे क्या कस्टमर। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक मर्चेंट के द्वारा इशू किया जाता है दोस्तों, तो लिखें नेक्स्ट पॉइंट में लिख देंगे हम लोग मर्चेंट, यानी मर्चेंट कहां से होता है, तो सेलर ऑफ प्रोडक्ट हु कैन एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यानी कहने का मतलब वैसे मर्चेंट जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट को एक्सेप्ट करता हो। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में लिख देंगे हम लोग एग्जाम में द एक्यूरर बैंक, यानी कौन से बैंक के द्वारा आपका क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया। उसके बाद लिख देंगे दोस्तों कार्ड का ब्रांड क्या है, तो इस तरह से आप एग्जाम्स में जाकर के लिख सकते हैं और इस तरह से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड जो होता है दोस्तों वो आजकल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी के पास भी अकाउंट है दोस्तों, तो आप सभी भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बैंक के पर्सनल ब्रांच से जाकर के कॉन्टेक्ट करें दोस्तों, वहां से अपना क्रेडिट कार्ड इशू करवाएं और इशू करवाने के बाद अपना क्रेडिट कार्ड असली लुत्फ उठाएं। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्रेडिट कार्ड आप सब अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दोस्तों, दैट मींस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सारा ट्यूटोरियल्स लिंक दे दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो को अपडेट लेते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।